क्या दिख रही हो मानी? ट्रेन देखो, तुम्हारी घर से ट्रेन नजर आ रही है। जी मानी, मैं भी खड़े होकर ट्रेन देखती हूँ। मैंने मामा को कहा मैंने ट्रेन अंदर बैठना है, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है। रियली? जी मानी। वो देखो उधर जा रही है। हाँ वो तो उधर से मुड़ गई। 11 साल के हो गए अब आप मानी, छोटे नहीं हो कि आपको पता ही ना चले किसके सामने क्या बात करनी होती है और क्या बात नहीं करनी होती। अरे अरे, क्यों बच्चे को डांट रही हो यार, क्या कर दिया ऐसा उसने? मैं उससे बात कर रही हूँ ना, क्या जरूरत थी इसे हमें ऐसे एम्बैरस करने की उस फारूक के सामने? कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो हम पूरी नहीं करते? आपने बाबा से कहा था कि आपको पपी चाहिए, लाकर दिया ना उन्होंने, तो ये भी दे देते, आप थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते थे? अरे बच्चा परेशान ना हो, तुम जाओ जाके खेलो के साथ खेलो जाके, मैं मामा से बात करता हूँ, थोड़ी इमोशनल हो गई, जाओ मेरा बेटा। क्या हो गया, ये परेशान क्यों हो, क्या कर दिया ऐसा उसने? मुझे उस मीर फारूक पे बहुत गुस्सा आ रहा है। समझता क्या है वो अपने आप को? ठीक है बड़ा आदमी होगा, अपने घर पर होगा, लेकिन उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरी गाड़ी या मेरे घर के बारे में इस तरीके से बात करे। आपने देखा था कितने टॉन्टिंग लहजे में वो बोल रहा था कि यहाँ रहते हो तुम लोग, मतलब क्या है उसका? मेरे ख्याल में तुम ऐसे ही इमोशनल हो रही हो, कोई ऐसी बात नहीं है। एक तो उस बेचारे ने वहां से यहाँ तक हमें राइड दी, और तुम हो तो मुसलसल उसको बुरा भला कह रही। छोड़ो इस बात को। मेरी बात सुने एक सेकंड के लिए। उसने कोई हम पे एहसान नहीं किया हमें लिफ्ट देकर, और ना ही हमने उससे हेल्प मांगी थी, खुद आया था ना वो। ठीक है तुम रहते होगे किसी बहुत बड़े महल में, हमारा घर छोटा है, लेकिन जैसा भी है हम खुश हैं इसमें, उसका लेकर तो नहीं खाते। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, तुम्हारी और नीलोफर भाभी की दोस्ती है, क्यों अपनी दोस्ती फारूक साहब की वजह से खराब करती है? नाउ कम ऑन गिव मी अ स्माइल, मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरी प्यारी सी बीवी इस तरह का मुंह बना के बैठी होती है। आई लव इट व्हेन यू स्माइल, कम ऑन। नहीं बेबी कम ऑन चलो।